सर्वसुनिक गुआम हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बी एच यू एंड यू वाचिंग एसएस ट्यूटोरियल्स। तो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। ठीक है, एनसीईआरटी का एक लाइन डिस्कस होगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो आप अंतिम तक देखिए इस वीडियो को। ओके, तो शुरू करते हैं अपन वायरस से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि व्हिटेकर साहब के द्वारा दिया गया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस के लिए कोई भी जगह नहीं था। ठीक है, वायरस के लिए भी नहीं था, वायरॉइड्स के लिए भी नहीं था और लाइकेंस के लिए भी कोई जगह नहीं दिया गया था। तो पहला पॉइंट यही पूछा था कि व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में कौन से फॉलोइंग ऑप्शन नहीं इंक्लूडेड है। देखना उसमें से जो वायरस ऑप्शन होगा आपका, या वायरॉइड्स ऑप्शन होगा, या लाइकेंस ऑप्शन होगा, वो आंसर होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी इसको बोलती भी है। इसके अलावा एनसीईआरटी क्या बोलती है कि भाई हाँ, जो लोग भी कभी ना कभी उनको कोल्ड हुआ ही होगा, ठीक है, कोल्ड हुआ ही होगा उनको, वो फ्लू से सफर करते होंगे, तो उनको पता है कि ये सब जो डिजीजेज है किससे होता है, ये सारे डिजीजेज वायरस से होते हैं। ठीक है, तो उनको वायरस के इफेक्ट के बारे में पता होगा। क्लियर है बात। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि मैंने बताया कि इन लोगों को क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। तो वायरस को क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि ये लोग ट्रूली लिविंग नहीं थे। ठीक है, ये लोग ट्रूली लिविंग नहीं है। क्लियर, समझ में आ बात। वायरस कैसे है, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट ध्यान रखना आपको, वायरस कैसे है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड इट आर कैरेक्टराइज बाई हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, नॉन सेलुलर है, जब किसी होस्ट सेल में ये जाएंगे तो वहाँ तो अपना वर्क करना शुरू कर देंगे उसके डीएनए के साथ बाइंड होकर। ठीक है, लेकिन बाहर रहे, आउटसाइड द लिविंग सेल, ये किसके तरह रहते हैं, इनर्ट रहेंगे, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेंगे, कब, जब ये लिविंग सेल्स के बाहर है। ठीक है, आउटसाइड द होस्ट लिविंग सेल। क्लियर, तो एनसीआर इस तरह लिखती है, सुन लीजिए क्या लिखती है एनसीआर। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया, जब आउटसाइड द लिविंग सेल है, ठीक है, तो ये कैसे कैसे है, ये इनर्ट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लिविंग सेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर क्या करेंगे, होस्ट सेल का, होस्ट सेल मतलब जिस सेल के अंदर गया है उसका मशीनरी यूज करेगा अपने आप को रिप्लीकेट करने के लिए। आपको एचआईवी वाले में पढ़ाया गया होगा, डिजीज वाले चैप्टर में। ठीक है, होस्ट सेल का मशीनरी यूज करके अपने आप को क्या करेगा, ये वायरस रिप्लीकेट करेगा। बात समझ आ रहा है ना, होस्ट सेल का मशीनरी यूज करके अपने आप को ये रिप्लीकेट करेगा वहां पर। ठीक है, किलिंग द होस्ट, फिर बाद में क्या करेगा, रिप्लीकेट करके करके बाद में होस्ट को क्या करता है, किल कर देगा, होस्ट को खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेम वायरस है, जिसको जिसका मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब क्या भाई, वायरस नेम क्यों दिया गया, क्योंकि वायरस का जो वर्ड है उसका मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, वेनस, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। ओके, वायरस का ये मतलब है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। क्लियर, और ये जो वर्ड था, ये वर्ड किसने दिया था, देखिए ध्यान रखना आपको, तीन चार साइंटिस्ट का नाम याद रखना आपको, डीजे आइवेनोवस्की, ये उनका नाम था जिन्होंने ये टर्म दिया था वायरस। ओके, डीजे आइवेनोवस्की। क्लियर, सेकेंड वर्ड, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये वायरसेस है, ठीक है, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं। क्लियर, ओके, जो क्योंकि देखिए बैक्टीरिया वायरसेस का साइज सबसे स्मॉलर होता है, बहुत छोटा होता है, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो था उससे ही लोग पास कर जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया से छोटे साइज के होते हैं वायरस। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको दूसरा पॉइंट में। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, देख सुन लीजिएगा, द नेम वायरस दैट मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पाश्चर डीजे आइवेनोवस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको का स्टडी करने के बाद जिन्होंने ये नाम दिया था, वहां से पता चला था उनको, दे वेर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट मार्केट में है वो कहते हैं एमडब्ल्यू बेजरनिक। ठीक है, एमडब्ल्यू बेजरनिक, ये नेक्स्ट साइंटिस्ट है। ये इन्होंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो एक टोबैको प्लांट है, मान लीजिए ये टोबैको प्लांट था, ठीक है, ये इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट, मतलब इसको, इसमें वायरस है, तो इसके एक्सट्रैक्ट को लेकर यदि हम किसी अनदर प्लांट में डाल दें तो वो भी प्लांट क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसी को इन्होंने प्रूफ किया। देखिए क्या लिखते हैं एनसीईआरटी, एमडब्ल्यू बेजरनिक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। ओके, और चूंकि ये इन्फेक्शन इसमें कर रहा है, इसलिए एमडब्ल्यू बेजरनिक ने क्या नाम दे दिया इसको, फ्लूइड को, जो फ्लूइड उससे एक्सट्रैक्ट किया था उसका नाम क्या दे दिया,
कॉन्टागियम, कॉन्टागियम कॉन्टाजियस वर्ड था ना, कॉन्टाजियस फैलने वाला, उससे नाम निकला कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या हो गया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि इससे जो एक्सट्रैक्ट निकाले थे इस प्लांट से, एक्सट्रैक्ट निकाल के इस प्लांट में डाले तो ये प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया, तो क्या हुआ होगा, इससे जो लिक्विड लाया था मैंने इसमें डाला उसके अंदर इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो कॉन्टाजियस मीन्स फैलने वाला, एक दूसरे फैल रहा है, वाइवम फ्लूइडम, ओके। तो एमडब्ल्यू वेजर ने यह टर्म दिया था कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, तो अब ध्यान रखते थे वो इसी में बिजी थे, इससे फ्लूइड निकाल के इसमें डाल देते, इससे फ्लूइड निकाल कर इसमें डाल देते, तो वो इसका में बिजी थे, वो फ्लूइड निकाल के इधर उधर डालने में, ठीक है। चलिए हम मूव ऑन करते हैं हम लोग अगले पार्ट पर। अगले साइंटिस्ट जो है वो है डब्ल्यू एम स्टैनले, क्या है, डब्ल्यू एम स्टैनले। देखिएगा इन्होंने क्या किया, तो डब्ल्यू एम स्टैनले ने क्या किया, वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया, ठीक है। इनको किसके लिए किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस, वायरसेस को क्रिस्टलाइज करने का क्रेडिट एम डब्ल्यू एम स्टैनले को दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो ये तीन साइंटिस्ट का ध्यान रखना आपको, ओके। चलिए इसके अलावा एक और पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछते हैं एलियन के टेस्ट में, वो है कि जो वायरसेस है ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, ओके, और वायरसेस जो है ये ओब्लिगेट पैरासाइट का एग्जांपल है, फैकल्टेटिव नहीं, ओब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, मतलब ये जिंदा तभी रहेंगे जब ये पैरासाइट रहेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आपको, वायरसेस आर एग्जांपल ऑफ ओब्लिगेट पैरासाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्लियर। इसके अलावा प्रोटीन में मिलता ही है, वायरसेस में प्रोटीन्स मिलता है, ठीक है, और प्रोटीन्स के अलावा जेनेटिक मटेरियल भी इनका अपना होता है, और या तो आरएनए हो सकता है नहीं तो डीएनए हो सकता है, आरएनए और डीएनए, कभी भी दोनों नहीं होगा, ठीक है, या तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा भैया नहीं तो डीएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं होगा, कोई ऐसा वायरस नहीं है, कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें कि आरएनए प्लस डीएनए दोनों, ठीक है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, नो एनी वायरस कंटेंट बोथ आरएनए एंड डीएनए, या तो आरएनए होगा नहीं तो उसमें डीएनए होगा, ठीक है। वायरस को डिफाइन कैसे कर सकते कि वायरस इज द न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन डीएनए से और साथ प्रोटीन भी है तो न्यूक्लियो प्रोटीन बोल सकते हैं, ओके। अब आते हैं वायरसेस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं जनरली, वो होते हैं आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। जनरली जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, ओके, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। तो देखिए एनिमल वाले में कुछ भी हो सकता है क्योंकि एनिमल होते भी खतरनाक है, ठीक है, एनिमल ज़्यादा पावरफुल है, तो एनिमल में कुछ भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, लेकिन प्लांट्स को जो यूजुअली इफेक्ट करता है वायरस जनरली कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो वैसे ध्यान रख सकते हो इसको, ठीक है। चलिए इसके अगला पॉइंट क्या है कि जो बैक्टीरियल वायरस है, ठीक है, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है, मतलब बैक्टीरियल वायरस मीन्स वायरस जो कि इन्फेक्ट करे किसको, बैक्टीरिया को, वायरस विच विल इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट विल बी नोन एज बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो बैक्टीरियल वायरस बोलते हैं उनको, बैक्टीरियोफेजेस को, और ये यूजुअली कैसे मिलते हैं आपको, जो देखो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरियोफेज, और ये वायरस जनरली आपको मिलेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले, ठीक है, कैसे मिलेंगे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले, ध्यान रखना आपको। तो तीन पढ़ गए आप लोग, प्लांट में पढ़ा आपने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मोस्ट कॉमन है, एनिमल के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मोस्ट कॉमन है, और बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए मोस्ट कॉमन है, ठीक है। फिर आपको वायरस में क्या मिलता है, प्रोटीन कोट मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, वायरस में क्या मिलता है, प्रोटीन कोड मिलता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैप्सिड बोलते हैं, और कैप्सिड स्मॉल सबयूनिट से बनता है, और स्मॉल सबयूनिट का नाम क्या है, कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर्स यूनिट्स है, सबयूनिट है जिसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका, कैप्सिड बनता है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको, जो कि न्यूक्लिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए काम आ रहा है। ये पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि कैप्सिड का काम है, तो बस वो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड जो है मतलब वायरस के अंदर जो भी डीएनए होगा आरएनए होगा उसके प्रोटेक्शन के लिए करता काम, ठीक है, ये पूछा गया वो क्वेश्चन, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, याद रहेगा आपको। चलिए इसके अलावा ये जो कैप्सोमियर्स अरेंज हो सकता है, हेलिकल अरेंजमेंट भी होता है इसका, पोलीहेड्रल भी होता है, ज्योमेट्रिक भी होता है, ठीक है, इसका अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, जो कैप्सिड का अरेंजमेंट है वो अलग अलग में वायरस में अलग अलग वेरी करता है, ध्यान रहेगा। वायरस के कारण ही डिजीजे होते हैं जैसे कि मम्प्स है, ये पूछते हैं कि कौन सा वायरल इन्फेक्शन का होता है, मम्प्स हुआ आपका, स्मॉल पॉक्स हुआ, ठीक है, हर्पीस हुआ, सॉरी हर्पीस हुआ आपका,
आपका इन्फ्लुएंजा हुआ, दीज आर द डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू वायरस, एड्स भी है वो भी वायरस के द्वारा किया जाने वाला है, ठीक है, ये एनिमल में हो गया। प्लांट में आप देखोगे तो प्लांट में वायरस क्या करता है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, ठीक है, इसे कहा लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग होता है वायरस के इफेक्ट के कारण, येलोइंग वेन क्लियरिंग हो सकता है, ड्वार्फिंग हो सकता है, स्टंटिंग ग्रोथ हो सकता है, ये सब वायरस का इफेक्ट होता है, ठीक है, इतना आपको वायरस का ध्यान रखना है। अगला है वीरोइड्स, तो पहला पॉइंट वीरोइड्स के बारे में कि ये इसका डिस्कवर किसने किया था, टीओ डाइनर ने किया था, ठीक है, टीओ डाइनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था किसको, वीरोइड्स को, ध्यान रखा आपको, ठीक है। टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। सेकेंड पॉइंट वीरोइड्स का ध्यान रखना है, दीज आर स्मॉलर देन वायरसेस, ठीक है, स्मॉलर देन वायरसेस, ये वायरसेस से भी स्मॉलर है जो वीरोइड्स है, ठीक है, टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था, स्मॉलर देन वायरसेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इट इज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, ठीक है, फ्री आरएनए का मतलब क्या है, ये प्रोटीन कोट लैक करते हैं, ठीक है, लैकिंग प्रोटीन कोट, जो कैप्सिड था वायरस में वहाँ नहीं होगा, ठीक है, लैकिंग प्रोटीन कोट, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए नाम वीरोइड दिया गया इनको। और इनका जो आरएनए है वो काफ़ी लो मोलिकुलर वेट का है, ठीक है, जो फ्री आरएनए है इनका उसका मोलिकुलर वेट क्या है, बहुत लो है। तो फिर से बोल दूँ एक बार, इनसाइट की लाइन, इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज। ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, कि वीरोइड्स के कारण ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज किस के कारण होता है, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज, आपको ध्यान रखना है वीरोइड्स के कारण होता है। साइंटिस्ट टीओ डाइनर, इट आर द स्मॉलर देन वायरसेस, फ्री आरएनए जिसका मल्टीपल वेट काफी कम होगा और ये प्रोटीन कोट लैक करता है, जिसे कारण के नाम दिया गया वीरोइड्स, ठीक है भाइयों। चलिए अगला लास्ट है अपना लाइकेंस, ठीक है, लाइकेंस को स्टडी कर लेते हैं अपन। लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका किसका, अल्गी प्लस फंजाई का, अल्गी प्लस फंजाई का ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जो अल्गल कंपोनेंट है इसको बोलते हैं हम लोग फाइकोबायोंट, ठीक है, और जो फंजाई कंपोनेंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोबायंट, माइकोराइजा माइकोबायंट, ठीक है, ठीक है। अल्गी क्या करता है, प्रिपेयर करता है फूड फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करता है, शेल्टर और मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइकेंस के बारे में क्या है, कि लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, ये पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है। और ये पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह कैसे काम करेगा, क्योंकि लाइकेंस कभी भी पोल्यूटेड एरिया में कभी नहीं ग्रो करता, तो इसे पता लगा सकता है कि जिस एरिया में लाइकेंस नहीं मिले समझ सकते हो कि वो एरिया पोल्यूटेड हो चुका है। तो ये आपका खत्म हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइए कि हेल्पफुल है कि नहीं ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वीडियो। सो थैंक यू वॉचिंग।